गिरिडीह तक में आपका स्वागत है। चलिए आज की खबर की ओर। आज झंडा मैदान गिरिडीह में भाजपा की तरफ से जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ के नारे रैली के दौरान लगते रहे। इस रैली में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, निर्भय कुमार सहबादी, गिरिडीह नगर निगम के उप मेयर प्रकाश सेठ, रविंद्र राय, रविंद्र पांडे और कई नेता शामिल रहे। हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी और हम सबों के नेता झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, मंचासीन सभी हमारे सम्मानित नेतागण और इस भ्रष्टाचार रैली में गिरिडीह के कोने कोने से आए हुए हमारे भाइयों और बहनों, हम सिर्फ दो तीन बात कहना चाहते हैं। ये सरकार का पाप का घड़ा भर चुका है, अब हम लोग को चैन से नहीं बैठना है। यह महाठग बंधन की सरकार में एक और घड़ा जुट गया है। ठग बंधन के लोग तो हैं ही, लेकिन झारखंड के जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, वो भ्रष्ट पदाधिकारियों के साथ भी इनका तालमेल बन गया है और हमारी जनता त्रस्त हो गई है। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि बिना पैसा दिए हुए कहीं कोई काम नहीं होता, जमीनों की लूट खसोट हो रही है और लोगों को, गरीबों को ज्यादातर यातनाओं झेलने का लगातार प्रयास कराया जा रहा है कि आपकी यातना रहे, लेकिन जनता अब चुप नहीं रहने वाली है। इन भ्रष्टाचारियों को उखाड़ फेंकने के लिए आज हम लोग को संकल्प लेना है और संकल्प तभी समझ में आएगा जब आप दोनों मुट्ठी तान के बोलिएगा, मेरा साथ दीजिएगा, बोलिए भारत माता की। दोनों मुट्ठी तान के उधर भी हमारे भाई हैं, आप अपना संकल्प दोहराइए। इधर हमारे दाहिने साइड भी भाई हैं, आप संकल्प दोहराइए भारत माता की, भारत माता की, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। भाइयों, ये सरकार तो लूट खसोट कर रही है, 11 मंत्री मुख्यमंत्री ये लोग की जेबें भर रही हैं, लेकिन उस ठग बंधन सरकार में जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो माननीय विधायक हैं, आज अपना छाती पीट रहे हैं। उनका कोई दोष नहीं है बेचारों का, वो तो किम कृतिप मूड होकर के देख रहे हैं कि सारा पैसा जा रहा है इन अधिकारियों के माध्यम से। ईडी ने छापा मारा, करोड़ों करोड़ रुपए बरामद हुए इनके सचिव के पास से, इनके पोसने वाले ऐसे दलालों के पास आज उनकी जेल में जगह है, जेल की हवा खा रहे हैं। आज उन जो हमारे माननीय अन्य विधायक हैं, वो छाती पीट रहे हैं, आपके शरण में आने के लिए तैयार हैं। आप उनको आग्रह कीजिए, वो ठगबंधन की सरकार को छोड़ करके आपका दामन पकड़ेंगे, ये मेरा विश्वास है। झारखंड को बचाना है तो आपको करना पड़ेगा, झारखंड की अस्मिता की रक्षा करने के लिए आपको उठना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। और मैं यही निवेदन गिरिडीह की जनता से करना चाहता हूं कि आप पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सह मुख्य वक्ता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष परम आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी, मंच पर उपस्थित अन्य वरिष्ठ नेतागण
जिले के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी मंडल अध्यक्षगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आज दो तीन बातें अर्ज करने के लिए आया हूँ। केवल मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में यह बात देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो निकाय का चुनाव हो रहा है वह 5 जनवरी 2022 के वोटर लिस्ट पर कराया जा रहा है। यह चुनाव और 5 जनवरी 2023 के वोटर लिस्ट पर कराए जाने का प्रस्ताव सरकार को दे, ताकि हमारे जो वोटर्स हैं वो आगामी चुनाव में और हमारे वोटर की संख्या बढ़ सके। दूसरी बात है कि इस क्षेत्र में सीसीएल एरिया में हमारे हजारों लोग ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास की सुविधा नहीं मिल पाई है। यहाँ से हमने बोर्ड के माध्यम से और 4000 एप्लीकेशन भेजने का काम सरकार को किया है। आपसे निवेदन होगा कि सरकार पर दबाव डालकर ऐसे लोग और गरीब लोगों को जो सीसीएल क्षेत्र में रहते हैं और आवास मुहैया कराने का काम करे। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं झारखंड में, उसमें ओबीसी को और उपेक्षित किया गया है। इस ओबीसी को भी चुनाव में और सभी को सर ओबीसी को भी आरक्षण देने का काम करें, ताकि ओबीसी को भी सम्मान मिल सके। आज इस अवसर पर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय।